अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आर एस इंफॉर्मेशन चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ई कैट है मतलब इंजीनियरिंग का एडमिशन टेस्ट है वो अनाउंस हो चुका है, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो ई कैट की अनाउंसमेंट हुई थी उसमें ये बताया गया था कि जो ई कैट है वो सेकेंड ईयर के जो थ्योरी पेपर हैं उनके बाद जो है जून में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, और जुलाई और अगस्त में जो है ना प्रॉपर जो है ना क्लासेस का शेड्यूल जो है ना सितंबर में प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और जुलाई और अगस्त में जो है ना इसकी जो मेरिट लिस्ट लग जाएगी, ठीक है। मतलब आपका एडमिशन जो है ना कंफर्म हो जाएगा। लेकिन इस दफ़ा के अचानक ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो UET लाहौर की तरफ से, जिसने सबको हैरान कर दिया। जिसमें नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि जो ई कैट है वो मतलब मई में कंडक्ट होगा, ठीक है। उसकी पूरी जो डिटेल है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जो UET की तरफ से नोटिफिकेशन जो है ना अनाउंस किया गया है उसमें ये बताया गया कि जो कंडक्ट होगा एंटी टेस्ट, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम जो एंटी टेस्ट कंडक्ट हुआ था वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ ब्रांचेज़ में जो है ई कैट कंडक्ट हुआ था, वैसे ही इस दफ़ा भी कंडक्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि 24, 25, 26 और 27 मई को 4 दिनों के अंदर टेस्ट कंडक्ट होगा, और जो अगर इस टेस्ट में अपीयर नहीं हो सकता, ठीक है, उसको किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो है ना एडमिशन नहीं मिल सकता। मतलब पंजाब में अगर आपने किसी इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको ये टेस्ट देना लाजमी है, ठीक है। उसके लिए जो है 21 और 22 मई को जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सेंटर हैं उसमें अलॉटेड टाइम, ठीक है, 15 मिनट का ओरिएंटेशन होगा, जिसमें वो आपको सब कुछ बताएंगे कि आपने किस तरह जो है ना पेपर को मतलब रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, MCQs को कैसे जो है ना नेक्स्ट करना है, बैक करना है, उसके बारे में सभी बताएंगे, ठीक है। एंटी टेस्ट में आप कैसे अपीयर होंगे, आपको एक टोकन मिलेगा, मतलब 12 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक जो है ना 17 मई तक 12 अप्रैल को जो है ना ये ई कैट का जो ऑनलाइन एडमिशन है वो ओपन हो जाएंगे, पोर्टल ओपन हो जाएगी, ठीक है, और 17 मई को ये जो पोर्टल है मतलब एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। उसमें आपको HBL की किसी भी ब्रांच में 1300 जो है ना आपको पे करने होंगे, और वहाँ से आपको HBL की उसी ब्रांच से आपको टोकन भी इशू कर दिया जाएगा, ठीक है। इसकी जो वेबसाइट है वो admission.uet.education.pk, ये वेबसाइट पे आप विज़िट करेंगे, ठीक है, आपको जो है ना चलान फॉर्म जो है ना इशू होगा, उसके बाद आप जो है ना अपना चलान फॉर्म HBL की किसी भी ब्रांच में आप ना जमा करवाएंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड ऑनलाइन, लास्ट डेटा एंट्री एंड रजिस्ट्रेशन 18 मई को है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। टेस्ट एंड सब्जेक्ट, इसमें जो आपका सब्जेक्ट होगा वो फिज़िक्स के बाद मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री, ठीक है, ये जो है ना। उसके बाद अगर कोई बायोलॉजी की फील्ड में जाना चाहता तो वो बायोलॉजी का होगा, किसी ने ICS स्टैट किया तो वो स्टैटिक का होगा, ठीक है, ये कुछ आपके जो है ना टेस्ट होंगे। फिर प्रिंटिंग ऑफ एडमिट कार्ड, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो एडमिट कार्ड है वो UET लाहौर कैंपस, UET टेक्सला इंजीनियरिंग कॉलेज, बाउंड्री ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान, इंजीनियरिंग कॉलेज इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, फातमा जिना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। 12 अप्रैल को ये शुरू होगा और 17 अप्रैल को जो है ना इसकी जो रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर आप इनके थ्रू भी करवाना चाहें, ठीक है, तो आप इनके थ्रू भी करवा सकते हैं। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट डेट्स, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 18 को लास्ट डेट है, वेबसाइट admission.uetEducation, हाँ, इसकी मैं वेबसाइट का लिंक भी आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और उसके बाद जो है ना आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाने हैं। UET की जो मेन ब्रांच लाहौर में, ठीक है, वो ही टेस्ट कंडक्ट करेगी, सारा प्रोसेस जो है ना वो ही कर रही है। इसी के बेस पे आपको 30+ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब की
उनमें एडमिशन मिलेगा। इस दफ़ा तो जो IST ये इस्लामाबाद है उसमें उसने भी ये बता दिया कि UET का टेस्ट जो है ना, एंटी टेस्ट, जिसमें जो हाईएस्ट स्कोर होंगे ठीक है, उसी के बेस पे आपको IST में जो है ना एडमिशन मिल सकता है ठीक है। उसके बाद जो है जितनी भी फर्दर इंफॉर्मेशन है वो आपको इसी चैनल में साथ साथ मिलती रहेगी ठीक है। आपने अपने जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ अटैच करने हैं ठीक है, UET के जो भी आपने पोर्टल पे ऑनलाइन एडमिशन करना है ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लग रही होगी तो आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं। तो जो ब्रांच कोड है वो लाहौर के जितने भी हैं आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे ठीक है। कराची के जो हैं, इस तरह ही दूसरे जो सिटीज़ हैं उनके भी आपको जो है ना कोड नज़र आ रहे होंगे। इन्हीं की बेस पे आपको विचुअल यूनिवर्सिटी जो है ना कोड इशू करेगी ठीक है। अगर आपको कोई फर्दर डिटेल चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो ऑनलाइन तो आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर सकते हैं ठीक है, मैं आपका कर दूँगा, कोई इशू नहीं है इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। क्योंकि ये अचानक की अनाउंसमेंट हुई है UET की तरफ से, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कुछ इन चीज़ के बारे में पता नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।